जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना पंजाब दी शान मक्खी चीना। एक खूबसूरत वीडियो के नाल जनाब तुहाडी खिदमत विच हाजिर होया। असी खबेकी झील तो वापस आ रहे हैं और एक खूबसूरत जनाब व्यू जिस दे विच मज्जा जड़ियाँ वो तैर रही ने पानी दे विच, बहुत खूबसूरत जो व्यू है जी। मेरा कैमरामैन विखाएगा तुहानू ते ये वीडियो स्पैशली जनाब अपना पंजाब दी शान मक्खी चीना के व्यूवर जी। दोस्तों बड़ा खूबसूरत व्यू जी, देहाती जिंदगी, देहाती जा माहौल और ये जनाब मज्जा पानी दे विच है जी, कितना खूबसूरत जनाब ये नज़ारा। असी वापस जा रहे सी जनाब खबेकी झील तो चींजी दे एरिए दे विच ये मज्जा जनाब असी वेखिया, बड़ा खूबसूरत तालाब ते असी क्या जी दोस्तों नू जरा ये व्यू विखाइए, बड़ा खूबसूरत जा व्यू है जी। ये साढ़े नाल दोस्त भी हैं भाई जान, गल सुनो ये उपर दरबार शरीफ केड़ा है, की ना है दरबार का नाम की है? पीर फुल बादशाह ना दरबार क्या? ते ए स्पेशली वीडियो जनाब जड़े साडे लवर ने, गोट लवर, पैट्स लवर, उन्हां दे वास्ते वीडियो मज्जा जनाब बड़ा मस्ती ना और बड़े खूबसूरत मस्ती दे विच। इस गर्मी दे विच बड़ी गर्मी है, कितना खूबसूरत जवी हुई जी, यकीन करो कि मैं ते दिल करदा कि जनाब इन जानवरों नू देखते ही रहां। थोड़ा जहा आगे चलाओ जी ना भाई, थोड़ा जहा आगे चलाओ जी। दोस्तों भैंस को जनाब नहलाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जी। जी बिल्कुल, दूध में जनाब इजाफा होता है जी और जितना ज़्यादा भैंस पानी में रहेगी वो मिल्क प्रोडक्शन जनाब ज़्यादा होगी और सेहतमंद होगी। और स्पेशली इन गर्मी के दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन जानवरों को जनाब नहलाएँ, स्पेशल भैंस को, बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो ख़त्म होती हैं और स्पेशल जो दूध की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर आप जानवर को नहलाएंगे नहीं तो जो मिल्किंग प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। उम्मीद है जी आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट खूबसूरत सी वीडियो के साथ, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा जी। अल्लाह।